परिंदों की शक्ल में होती है। अब तू खुद समझ ले कि परिंदे अगर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो रूहें भी आपस में एक दूसरे को पहचानती हैं। हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद पढ़ना शुरू करे और पूरा किए बिना ही मर जाए तो कब्र में एक फरिश्ता उसे कुरान शरीफ पढ़ाता है, चुनाचे वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे पूरा कुरान मजीद हिफ्ज होगा। आलमे बरजा की कबर की कबर की रहस्य आछे जा आम्रा विश्वास राखी कुरान हादिसेर दलिल थेके। एक मृत्युर व्यक्तिर संगे की करा हय कबरे, मृत्युर पर मृत्यु व्यक्तिर जीवन ठीक किभाबे काटे, अनेक रहस्यमय एवं इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर आम्रा दीते चलेछि इंशाल्लाह भिडियोर माध्यमे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आसलामु आलाइकुम, आमी शमीमा बेगम, आपनारा देखछेन बेगमेर डेली रिएक्शन। आशा करी भालो आछेन। আমার চ্যানেলটা নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটাকে প্রেস করে রাখবেন প্লিজ। আজকের ভিডিওটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ও নলেজেবল হতে চলেছে। মৃত্যুর পর কবরের আজাব হয় সত্যি বলে আমরা কিন্তু মুমিনরা আল্লাহ পাকের নির্দেশে চলার চেষ্টা করি, কিন্তু যারা বারজাকে জীবন কবরের জীবনকে বিশ্বাস করে না বা কোনো জ্ঞান রাখে না তারা তো সর্বক্ষণ বিপদেই আছে। আল্লাহ হেদায়েতের মালিক। এই ভিডিওটা দেখে যদি আমার আপনার মনে কিছু পরিবর্তন হয়, সঠিক পথে চলার তৌফিক পাই, তাই এই ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণটা দেখবেন। আশা করি ভিডিও থেকে আপনি উপকৃত হবেন। কবর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলে আপনারই জীবনে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। তো চলুন ভিডিওটা দেখি। দোস্তো আলামে বারজাক কিয়া হ্যায়, আলামে বারজাক কাহাঁ হ্যায়, কিয়া হামারে মরনে ওয়ালে রিশতেদার और हमारे दोस्त हमें आलम बरजख में याद करते हैं? क्या आलम बरजख सब इंसानों के लिए है या कुछ खास लोगों के लिए है? आलम बरजख की जिंदगी कैसी है? मौत के बाद से कयामत कायम होने तक हर इंसान पर जो जमाना गुजरता है उसको बरजख कहा जाता है। बरजख का मतलब है पर्दा या आड़। चूंकि ये जमाना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है इसलिए उसे बरजख कहते हैं। कुरान पाक की सूरे मोमिनून में अल्लाह पाक का इरशाद है जिसका तर्जुमा है, और उनके आगे और उस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। दोस्तों मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी कयामत तक का जमाना आलम बरजख कहलाता है। आलम बरजख में मुर्दों की जिंदगी को हयात बरजखी कहा जाता है। बाज रिवायत और आयात के मुताबिक मुर्दों की रूहें आलम बरजख में जिंदगी गुजारती हैं और जिंदों के साथ राब्ता बरकरार कर सकती हैं। मुर्दे जिंदों की आवाजें सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। दोस्तों जिस तरह बाज अहदीस से पता चलता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर कब्र पर आने वाले मुर्दे को दुनिया में जानते थे तो मुर्दे उसको पहचान भी लेते हैं। दोस्तों आलम बरजख में रू जिस्म के साथ जिंदगी गुजार रही होती है, उसे बरजखी जिस्म से ताबीर किया जाता है। दोस्तों चूंकि बहुत से इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं इसलिए हदीसों में बरजख के आराम या अजाब के बारे में कब्र ही के लफ्ज आते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जिन इंसानों को कब्र में नहीं दफनाया गया वो बरजख में जिंदा नहीं रहते। सच तो यह है कि अजाब और सवाब का ताल्लुक रूह से है, और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो अजाब और सवाब देने की ताकत रखता है। वो जिसे अजाब देना चाहता है अजाब देता है, और जिसे सवाब देना चाहता है उसे सवाब देता है। दोस्तों हदीस शरीफ में आया है कि पहले जमाने में एक आदमी ने बहुत ज्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी जमीन में बिखेर देना और आधी समुद्र में बहा देना कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने इसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे जरूर ही जबरदस्त अजाब देगा जो मेरे अलावा सारी दुनिया में और किसी को ना देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया कि उस आदमी के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दो। समुद्र ने अपने अंदर से सारे जर्रों को जमा कर दिया, और इसी तरह जमीन को भी हुक्म दिया
उसने भी उस आदमी के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। जब सारे जर्रे जमा हो गए तब अल्लाह पाक ने उसे जिंदा फरमा दिया। फिर उससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की? उसने अर्ज किया, ऐ मुझे पालने वाले, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और इस बात को आप खूब जानते हैं। दोस्तों, इस बात पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। दोस्तों, ये वाकया बहुत पुराने जमाने का है। आज के वक्त में हम अपने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इसलिए आज के वक्त में कोई भी ऐसी वसीयत ना करें जो सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हो। दोस्तों, हदीस शरीफ की रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरजख में एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और इस दुनिया से जाने वालों से भी पूछते हैं कि फला का क्या हाल है और वो किस हाल में है। चुनाचे हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरजख में उसकी औलाद उसका इस तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। और हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरजख की दुनिया में उसके रिश्तेदार नातेदार जो पहले मर चुके हैं उसको घेर लेते हैं और वो आपस में मिलकर उस खुशी से भी ज्यादा खुश होते हैं जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर होती है। हजरत कैस बिन कबीसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ईमान वाला नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जाती। किसी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे बातचीत भी करते हैं? फरमाया, हाँ, एक और दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई की कब्र की जियारत करता है और उसके पास बैठता है, सलाम करता है तो वो कब्र वाला उसके सलाम का जवाब देता है और उससे मानूस होता है, यहां तक कि जियारत करने वाला उठकर चला जाता है। हजरत उम्मे बिशर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं? आपने फरमाया, तेरा भला हो, रूह मुतमईन्ना, वो रूह जिसे इत्मीनान हासिल हो जन्नत में हरे परिंदों की शक्ल में होती है। अब तू खुद समझ ले कि परिंदे अगर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो रूहें भी आपस में एक दूसरे को पहचानती हैं। हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद पढ़ना शुरू करे और पूरा किए बिना ही मर जाए तो कब्र में एक फरिश्ता उसे कुरान शरीफ पढ़ाता है, चुनाचे वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे पूरा कुरान मजीद हिफ्ज होगा। दोस्तों, याद रहे, मौत फना होने और खत्म होने का नाम नहीं बल्कि एक आलम से दूसरे आलम यानी दुनिया से आखरत की तरफ मुंतकिल होने का नाम है। दोस्तों, अजाब कब्र से मुराद आलम बरजख की जिंदगी का अजाब है। इसे अजाब कब्र कहने की वजह यह है कि मुर्दों को कब्रों में दफनाया जाता है, वरना हर मैयत जिसको अजाब देना मकसद होगा अल्लाह पाक की तरफ से वो चाहे कब्र में जाए या ना जाए उसे अल्लाह पाक अजाब पहुंचाएगा और वो आलम बरजख का अजाब होगा। कुरान मजीद ने फिरौन के साथियों के अजाब कब्र यानी आलम बरजख के अजाब का तस्करा करते हुए फरमाया है, फिर अल्लाह ने उसे उन लोगों की बुराइयों से बचा लिया जिनकी वो तदबीर कर रहे थे और आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया। आतिश दोजख के सामने ये लोग सुबह और शाम पेश किए जाते हैं और जिस दिन कयामत बरपा होगी तो हुक्म होगा, आले फिरौन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। और जब वो लोग दोजख में बाहम झगड़ेंगे तो कमजोर लोग ताकतवर लोगों से कहेंगे जो दुनिया में बड़ाई जाहिर करते थे कि हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, सो क्या तुम इस आतिश दोजख का कुछ हिस्सा ही हमसे दूर कर सकते हो? दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस आयत में बयान किया है कि आले फिरौन पर सुबह और शाम अजाब पेश किए जाते हैं, हालांकि कयामत कायम नहीं हुई। इसी आयत से उलेमा इकराम ने अजाब कब्र यानी आलम बरजख के अजाब का सबूत लिया है। दोस्तों, आलम बरजख के पूरे हालात और वहां की जिंदगी को समझना इस दुनिया में नामुमकिन है, इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक और हदीसों में जो भी आया है उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह,
আল্লাহর দয়া না হলে কিন্তু কবরে ও আখেরাতে জীবনে শান্তি পাওয়া একদম অসম্ভব। তাই সর্বাবস্থা আল্লাহকে স্মরণ করা ও সঠিক পথ হক পথে থাকতে আমরা বাধ্য। ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টে মূল্যবান মতামত জানাবেন, শেয়ার করে নেকির হকদার হবেন। টেক কেয়ার, জাজাকাল্লাহ খায়ের ফর ওয়াচিং, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।